वाह भाई वाह। तो आज हम पहुंच चुके हैं रोहतक के फेमस चिराग चाप वाले के पास। तो आपने चाप तो बहुत खाई होगी, पर ऐसी चाप कहीं नहीं खाई होगी। यहाँ पर सारी वैरायटी मिलते हैं, जैसे ग्रेवी चाप होगी, मलाई चाप होगी। उसके बाद मैं चला गया मन्नत हवेली और मैंने वहाँ पर ऑर्डर कर दी एक थाली जो दिखने में बहुत ही बढ़िया थी और इसका प्राइस 550 रुपये था। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम रोहतक का बेस्ट फूड ट्राई करने वाले हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो तो चलते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 3:28 AM। तो मैं निकल गया अपनी लोकेशन की तरफ। आज आपको बहुत बढ़िया बढ़िया फूड ट्राई करवाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो रुको जरा, सबर करो। सबसे पहला फूड ट्राई करने जा रहे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं रोहतक के फेमस विजय मोमोज वाले के पास। आपको इधर सारी वैरायटी मिल जाएंगी, चिकन, वेज, पनीर। सबसे पहले मैंने टेस्ट करे वेज मोमोज, जो बहुत ही लाजवाब थे टेस्ट में। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। A few moments later. तो अभी बज रहे हैं रात के 7। मैं निकल गया अपनी दूसरी लोकेशन की तरफ। ट्रैफिक के कारण मैं ज़्यादा ही लेट हो चुका था। फटाफट मैं निकल गया अपनी दूसरी लोकेशन की तरफ। अगर चाप खाने के शौकीन हो तो इधर एक बार जरूर आओ चिराग चाप वाले के पास। इधर आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी। वाह भाई वाह। तो आज हम पहुंच चुके हैं रोहतक के फेमस चिराग चाप वाले के पास। आपने चाप तो बहुत खाई होगी, पर ऐसी चाप कहीं नहीं खाई होगी। इधर आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी, मलाई चाप, ग्रेवी चाप। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। The next day. तो आज है अपना दूसरा दिन। मैं निकल गया अपनी तीसरी लोकेशन की तरफ, क्योंकि कल ज़्यादा ही लेट हो चुके थे। तो आज हम जा रहे हैं अपनी तीसरी लोकेशन की तरफ। फटाफट से पहुँचते हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं हम तीसरी लोकेशन की तरफ। आज हम गए हैं मन्नत हवेली। तो देखो आज हमने ऑर्डर करी अपनी थाली, जो दिखने में बहुत ही अमेजिंग थी। सेव टमाटर। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। One hour later. उसके बाद हम पहुंच गए अपनी चौथी लोकेशन की तरफ। हमने भी वहाँ पे टोमेटो सूप, जो टेस्ट में बहुत ही बढ़िया था। क्या बढ़िया था गुरु। 3 days later. आज अपना तीसरा दिन। तो आज हम पहुंच गए अपनी पांचवी लोकेशन की तरफ, कैफे माई फ्रैप पे, जो बहुत ही फेमस है रोहतक में। बहुत ही बढ़िया था ये कैफे माई फ्रैप कैफे। फूड की तो बात ही अलग थी। सबसे पहले हमने ट्राई करी कॉफी, उसके बाद मैंने थोड़ी स्नैप बनाई। मेरे को जाना पड़ेगा। One eternity later. उसके बाद मैं निकल गया अपनी 6th लोकेशन की तरफ। तो मैं पहुंच गया पिज़्ज़ा विंग्स, जो बहुत ही फेमस है रोहतक में। आज हम ट्राई करेंगे इधर का पिज़्ज़ा। सबसे पहले ले लिया मैंने पिज़्ज़ा और एक कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद लिए मैंने 2 पिज़्ज़ा, जो टेस्ट में बहुत ही बढ़िया थे। उसके बाद हमने टेस्ट करा, जो बहुत ही बढ़िया थे। उसके बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक पी।
वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। 12 o'clock midnight। इतनी खुशी मुझे आज तक। अबे रुक ये ले। इतनी खुशियां। उसके बाद मैं निकल गया अपनी 7th लोकेशन की तरफ। तो हमने ट्राई करा आज कुरकुरे बर्गर जो टेस्ट में बहुत ही बढ़िया था। इसका प्राइस 50 rupees था। उसके बाद हमने करे मोमोज ट्राई जो बहुत ही बढ़िया थे। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं निकल गया अपनी 8th लोकेशन की तरफ। फटाफट से मैं निकल गया अपनी 8th लोकेशन की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फाइनली मैं पहुंच गया अपनी 8th लोकेशन पर मैकडोनल्ड्स। मैं तो डर गई। मैंने ऑर्डर करे 2 बर्गर और 1 मैकपफ। उसके बाद खाया मैंने पिज़्ज़ा जो दिखने में बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद ट्राई करा मैंने महाराजा बर्गर जो बहुत ही बढ़िया था। स्टार्ट करो। तो आज अपना 3rd दिन। तो मैं पहुंच गया अपनी 9th लोकेशन की तरफ। सबसे पहले हमने ट्राई करा आज पपीता शेक जो बहुत ही बढ़िया था 50 rupees में। A few moments later। उसके बाद मैं पहुंच गया अपनी 10th लोकेशन पर नागपाल रेस्टोरेंट पर। उधर मैंने ट्राई करा डोसा जो बहुत ही बढ़िया था बटर डोसा। उधर मेरे साथ मेरा दोस्त भी गया था। हम दोनों ने एक डोसा लिया। ये अपना फ़ोन में ज़्यादा ही बिजी था। मज़ा आया। Eventually। निकली अपनी 11th लोकेशन की तरफ। तो उधर मैंने ट्राई करी पैटीज जो टेस्ट में बहुत ही बढ़िया थी। अच्छा। One minute 37 seconds later। उसके बाद मैं निकल गया अपनी 12th लोकेशन की तरफ। तो अभी बज रहे हैं रात के 8। फटाफट से मैं निकल गया। फाइनली मैं पहुंच गया अपनी 12th लोकेशन में। ग्रीन चिली पर पहुंच चुका हूं मैं नियर छोटू राम रोड। जो इसके मोमोज तो बहुत ही बढ़िया तड़का मोमोज। 12 seconds later। तो अभी रात के बज रहे 8:30। मैं निकल गया अपनी लास्ट लोकेशन की तरफ क्योंकि ज़्यादा ही मैं उधर लेट हो चुका था वीडियो बनाने के कारण और ट्रैफिक के कारण। तो मैं फटाफट से पहुँचने लगा अपनी 13th लोकेशन की तरफ। फाइनली मैं पहुँच गया अपनी 13th लोकेशन की तरफ पप्पू बेकरी पर। उधर मैंने ट्राई करे डेजर्ट्स जो बहुत ही बढ़िया थे। उधर से फ्री होने के बाद मैं निकल गया अपने घर की तरफ। कुछ ही देर में मैं अपने घर पहुँचने वाला था। फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुका हूं। मैंने रास्ते में रेड बुल ले ली थी। आग लगा दी।